नेक वार्म अप, इसमें नेक मूवमेंट में आपको लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, और जो आपने रोटेशन किया वो नेक जो सर्वाइकल का पेशेंट है उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है, और आपकी जो गर्दन की पेशियां हैं, मांसपेशियां, उनको फ्लेक्सिबल करेगा, जिससे भविष्य में कभी भी आपको सर्वाइकल से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपके जो शोल्डर से रिलेटेड कोई भी दर्द है या तनाव खिंचाव स्टिफनेस हो जाती है वो भी दूर होगी, इसलिए ये आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। चलिए अब देखते हैं नेक रोटेशन कैसे किया जाता है। दोनों हाथों को कमर से लॉक करिए। सबसे पहले ब्रीथिंग लेते हुए ऊपर ले जाइए, गर्दन को स्ट्रेच करेंगे। एक्सहेल करते हुए डाउन नीचे ले जाइए। चिन को थ्रोट से टच करने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से ब्रीथिंग लेते हुए एक बार फिर से ऊपर ले जाइए। इनहेल, एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे स्लो डाउन नीचे ले जाएंगे। दाहिने ओर ब्रीथिंग एक्सहेल करते हुए ले जाइए। इनहेल करते हुए सामने फेस को सीधा लाएंगे। एक्सहेल करते हुए अदर साइड ले जाइए। स्लो, जितना आराम से जा सकते हैं उतना ही जाएंगे। फिर धीरे धीरे वापस आइए ब्रीथिंग लेते हुए एंड रिलैक्स। रोटेशन करेंगे, स्टार्ट करिए राइट से लेफ्ट, ओनली 5 times क्लॉकवाइज एंड 5 times रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज करना है। इसी को अपोजिट करेंगे, धीरे धीरे सर्कल बनाइए। फॉरवर्ड राउंडिंग ब्रीथिंग एक्सहेल, बैकवर्ड राउंडिंग ब्रीथिंग लेते हुए रिलैक्स, वापस एंड रिलीज। योगा के बारे में अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें onlymyhealth.com।